एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको कर्व के साथ। सेकंड गियर में यह गाड़ी आसानी से 93 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और थर्ड गियर में पहुंच जाती है 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये सब अच्छाइयां हैं टाटा कर्व के नए इंजन के साथ, लेकिन कमियां भी हैं और इसीलिए तो कार गुरु भी आपके सामने मौजूद है शेयर करने के लिए कि क्या है अच्छाइयां, क्या है कमियां टाटा कर्व के इस नए पेट्रोल इंजन के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं टाटा कर्व का एक डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत करें इसके लुक्स के कुछ खास पॉइंट के साथ। देख तो आप चुके ही है, इसलिए जरूरी बातें केवल करते हैं आपके साथ। देखिए लुक्स ओवरऑल देखने में बहुत इंपोजिंग है, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और आपको कनेक्टिंग डायल्स मिलती है। नीचे एलईडी आपको हेडलैम्प यूनिट मिलते हैं, चाहे आप लोअर वेरिएंट ही क्यों ना खरीदे। और नीचे आपको फॉग और कॉर्नरिंग भी मिल जाता है। फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स कैमरा भी मिल जाता है और एडास भी है इसके टॉप वेरिएंट के साथ, जो कि इस जगह पे छिपाया गया है। बाकी देखने में यार सिलेट अच्छा लगता है, ऊपर रेन सेंसर वाइपर और कैमरा भी मौजूद है। अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स 2155 प्रोफाइल्स के टायर के साथ, बड़ी क्लैडिंग है लेकिन ग्लॉसी है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत जबरदस्त है, कुछ लोग इसे 208 mm कह के बुलाते हैं, ऑफिशियली फिगर्स तो नहीं है। हाँ OIVM में इंडिकेटर और कैमरा भी मौजूद है, ग्लास एरिया भी ठीक ठीक है और स्लोपिंग डिजाइन होने की वजह से इसे कूपे कहा जाता है। मगर SUV क्यों कहते हैं? शायद उसका रीजन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। रियर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो देखिए स्लोपिंग डिजाइन पीछे तक आता है, थोड़ा सा वहाँ भी स्पॉयलर है, थोड़ा सा यहाँ भी स्पॉयलर मौजूद है और ऊपर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ शार्क फिन एंटीने के साथ में है, डिफॉगर मौजूद है। नया बैज टाटा का, इधर कर्व की बैजिंग मिलती है। ये डिजाइन एलिमेंट फ्रंट का ही रेप्लिका है और इसीलिए देखने में अच्छा लगता है। इसका भी छोटा फॉर्म है जो यहाँ पे मेंशन है और ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ में है और कनेक्टिंग भी है। साथ ही इसमें वेलकम और गुड बाय फीचर भी आता है। पीछे कैमरा भी मौजूद है यहाँ पर और इधर पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है। बूट इसका एक जेस्चर से खुल जाता है। हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लिया इसने, वो भी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आपको पीछे आने का मौका मिल जाए। अब बूट स्पेस की बात कर ली जाए, 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फ्लैट तो भी है लेकिन थोड़ा सा बूट लिप है लगभग 5 इंच का। 60-40 स्प्लिट सीट भी मौजूद है, पार्सल सेल्फ मौजूद है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के हुक्स भी रखे गए हैं, लाइट भी मौजूद है और मौजूद है यहाँ पर एक वूफर भी। नतीजा आपको म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा सामान रखने की सुविधा उपलब्ध है। नीचे एक रेगुलर व्हील मौजूद है छोटी साइज का, 16 इंच, हाँ कुछ ऐसा ही। चलिए बूट बंद करते हैं, ये भी एक बटन से बंद हो जाता है। चढ़ाई चढ़ते ही यह गाड़ी कुछ अपना असर दिखाती है, मुझे चढ़ जाने दीजिए। यस, आपको एहसास हो जाता है कि गाड़ी में पावर की कमी नहीं है, लेकिन ये बात तो बाद में कर दी थी, पहले क्या करनी है। पहले बात करते हैं आपसे कर्व की विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी अच्छी है, थोड़ा सा इधर से वो बात नहीं बनती है लेकिन बड़ी कंप्लेंट नहीं है। और अगर हम बात करें इसके टर्निंग की तो आप देख सकते हैं बहुत इजी है टर्न करने में और कतई परेशान नहीं करती। विजिबिलिटी को मैं इसके दूंगा 7.5 मार्क्स। और अब बात कर लें इसकी राइड क्वालिटी की। देखिए आप गाड़ी में बैठते हैं और अधिकतर जैसा आपने नोटिस किया है कि टाटा की कारों में राइड क्वालिटी अच्छी होती है, फील अच्छा आता है और वो यहाँ पर भी है, लेकिन बहुत सुप्रीमली राइड क्वालिटी वाला नहीं लेकिन अच्छा है। हैंडलिंग ठीक है, कूपे डिजाइन होने का फ़ायदा मिला, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा जरूर है
लेकिन चूंकि यह कूपे है तो वह बॉडी रोल उतना एविडेंट नहीं होता है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था और इसीलिए मैं इसके हैंडलिंग को दूंगा 8 मार्क्स। थोड़ा और बेटर हो सकती थी अगर सस्पेंशन सेटअप में कुछ ऐसी चीज़ें एडजस्ट की जाती। स्टीयरिंग फीडबैक, यहाँ पर मुझे कंप्लेन है। लाइट कंडीशन में जब आप ड्राइव करते हैं तो लाइट रहती है सिटी में, लेकिन जब हाईवे पे जाते हैं तो यह इंडियन की लाइकिंग से ज़्यादा हार्ड है। मेरी लाइकिंग के अनुसार तो ठीक है, लेकिन इंडियंस की लाइकिंग के अनुसार थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड है और जो उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता। दूसरा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ गोवा में, और गोवा वैसे तो स्टेट है लेकिन इसे लोग शहर की तरह देखते हैं, और यहाँ पर टुष्टी रोड्स ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, तो उन टुष्टी रोड्स पर यह थोड़ा और बेटर क्रिस्प होती, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता तो मज़ा आ जाता। ये मिस कर रहा हूँ तो मैं स्टीयरिंग फीडबैक को दूंगा 7 मार्क्स। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके सीट्स की। सीट्स बहुत अच्छी है, ऊपर से ये बरगंडी कलर, क्या कहना, काफ़ी कंफर्टेबल भी, और वेंटिलेटेड सीट्स की सुविधा भी उपलब्ध है और आरामदायक है, हगिंग है। मेरी हाइट और मेरे वेट के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसे दूंगा बड़ी आसानी से आगे की सीट्स को 9 out of 10। रियर सीट की अगर स्पेस की बात की जाए तो नीरूम ठीक है। ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से है और मैं बाय द वे 5'10" का हूँ, और यहाँ पर लेग रूम को भी लेके कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, उसको लेके भी शिकायत नहीं है। अब शिकायत है कहाँ पे? देखिए, यहाँ कोई प्राइवेसी कर्टन नहीं है। दूसरी चीज़, मैं 5'10" का हूँ तो मेरे पास इतनी जगह बच रही है। अगर मैं 6 फिट का होता तो शायद मेरे बाल छूने लगते, अगर बाल होते तो, हाँ ये भी याद रखना, और अगर 6 फुट से ऊपर होता तो पक्का छूता, फिर यूँ करके बैठना पड़ता, तब शायद एंगल बन पाता। और ना ऐसे बैठने के लिए सीधे होके बैठने पे डेफिनेटली 6 फिट से ऊंचे व्यक्ति को दिक्कत होगी ही होगी। दूसरा, उन लोगों को भी दिक्कत होगी जो टर्बन पहनते हैं, हमारे सरदार भाई, सिख भाई, उनको भी डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत होगी ही होगी। अच्छी चीज़, आर्मरेस्ट मौजूद है 2 कप होल्डर्स के साथ में। एंगल बड़ा अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है ड्राइव करते समय यहाँ पर बैठे रहना। बस थोड़ा विंग टाइप के होते तो थोड़ा आराम करने लायक भी पोजीशन बन जाती। केवल 2 ही हेडरेस्ट हैं, तीसरा हेडरेस्ट नहीं मौजूद है, लेकिन तीनों सीट बेल्ट जो है वो प्री टेंशनर के साथ में और 3-point seat belt है। ये अच्छी बात है, ओवरऑल कंफर्टेबल बहुत है। और इसका कलर जो है ना बरगंडी, ये रियली बहुत अच्छा कलर है, मगर थोड़ा सा और हेडरूम मिल जाता तो बात बन जाती। टाटा ये कैसे मिस कर गया, जब गाड़ी उन्होंने पूरी डिजाइन की तो थोड़ा हेडरूम पर और फोकस करते, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल हाइट जरूर 5'6" 8 इंच की है, लेकिन भाई सदा भाई भी हैं और भी लोग हैं जो लंबे होते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। हालांकि पीछे सीट पर अधिकतर हमने देखा फैमिली की लेडीज़ और बच्चे बैठते हैं, मेन बंदा तो यहाँ ही बैठता है, तो प्रॉब्लम कितनी है ये आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एसी पीछे मौजूद है, एक टाइप सी यूएसबी पोर्ट और एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट यहाँ पर मौजूद है। संदूक भी काफ़ी आगे तक आती है, तो आपको यहाँ पे क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। बस बता तो चुका हूँ, क्या बार बार कहना। चलिए बाकी बातें बची हुई ड्राइव में करते हैं। पीछे की सीट्स में हेडरूम की कमी साफ साफ दिखती है, और अब कोई इफ वट वाला सीन नहीं है, दिखती है, लेकिन उनको ही दिखती है जो 5'8" से ज़्यादा लंबे होते हैं, बाकी के लिए दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मिलते हैं केवल 6 मार्क्स, मतलब 6 out of 10। अब आपसे बात कर लूँ मैं एर्गोनॉमिक वाइज, तो ये म्यूजिक सिस्टम रीच में है, कोई कंप्लेंट नहीं। इसके डिस्टेंस क्लस्टर के सारे कंट्रोल्स यहीं पर मौजूद हैं, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, कुछ फिजिकल है कुछ डिजिटल है, उसको लेके भी कंप्लेंट नहीं। हाँ, ये डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन डिजिटल है जो थोड़ा सा मुझे छकाता है, और वैसे ही इसका बूट ओपन करने का बटन डिजिटल है, वह भी मुझे उतना पसंद नहीं आया। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल या फॉग लैंप को लेके उतनी शिकायत नहीं है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रेगुलर कंडीशन में नहीं होता है, तो अगर आपको डिजिटल भी है तो भी कोई कंप्लेंट नहीं। अब कंप्लेंट है कहाँ पर? एर्गोनॉमिक वाइज जो मुझे सबसे बड़ी कंप्लेंट लगी
उनमें से एक कंप्लेंट तो ये है कि अगर आपको इसका ग्लो बॉक्स खोलना है तो आपको आइए आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, अब बटन पे पास पहुंचिए, वो भी जब इतना लंबा आदमी 5 फुट 10 इंच का, नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा और ज़्यादा झुकना पड़ेगा, ये थोड़ा दूर है, इसे यहाँ कहीं पर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता एर्गोनॉमिक वाइज, बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह के साथ कोई कंप्लेंट नहीं। ये भी थोड़ा पीछे करके खोलना पड़ता हाथ, मतलब ये अगर आगे की तरफ करके आसानी से खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा मुझे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन वो हो सकता है किसी ग्लिच की वजह से रही हो। और एक चीज़ और है, इसके वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड में गूगल मैप का डिस्प्ले यहाँ पे दिख जाता है, और अगर आप एप्पल यूज़ करें तो केवल एप्पल मैप का दिखेगा, गूगल का नहीं दिखेगा। ये एक जरूर थोड़ा चीज़ ऐसी है जो एप्पल ने कर रखी है, उसमें टाटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो भी होता तो बहुत अच्छा लगता मुझे। बाकी सामने डिजिटल डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। अब बात कर लेता हूँ टाटा के सबसे बड़े कोर पॉइंट की, वो कोर पॉइंट है सेफ्टी। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी। और सेफ्टी की बात आए तो यह एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, हालांकि उस प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली नया कहना थोड़ी समझदारी नहीं है। चलिए पहले एक टर्न लेते हैं यू, ताकि आप समझ लें, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्योंकि कैमरे झूठ नहीं बोलते, बता देते पूरी बात। और फिर भी अगर आप नहीं देख पाए तो क्या बोलूँ, सेफ्टी। हाँ वही आ जाएगा। सेफ्टी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS EBD भी है, इसके अलावा 360 कैमरा भी है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा अगर आप बात करें तो इसमें एडास लेवल 2 के फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट में मौजूद हैं, और मैं टॉप एंड चला रहा हूँ, हालांकि मैनुअल का चला रहा हूँ, तो मैनुअल में अडेप्टिव नहीं है, लेकिन क्रूज कंट्रोल मौजूद है, लेन कीप असिस्ट यहाँ भी मौजूद है, स्टीयरिंग अपने आप घूम जाती है अगर आप उसे ड्राइव करें लेन वाली मार्किंग वाली, इस पर तो मैं ऑन कर दूँ तो स्टीयरिंग अपने आप एडजस्ट हो जाती है, उसको लेके कोई कंप्लेंट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए डिटेक्शन ब्लिंकर्स मौजूद हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेफ्टी को लेके मैं इसे अच्छे मार्क्स दूंगा, पूरे 9 out of 10, और 9 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं बाय द वे, यही सबसे बेस्ट मार्क्स माने जाते हैं सेफ्टी के मामले में, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं। वैसे भी टाटा की गाड़ियों की अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग आती है, तो उसको लेके भी डाउट मुझे नहीं है कि इसमें भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि था तो ये नेक्सॉन का ही प्लेटफॉर्म, हालांकि इसे हैवीली मॉडिफाइड किया जा चुका है, और उसकी वजह से थोड़ा सा ये अलग हो गया है, और इसीलिए कंपनी ने इसका नाम रख दिया एटलस। हाँ, इसे एटलस आर्किटेक्चर पर दिया गया है, बाकी बड़े चेंजेस कोई नहीं है। अगर आप इसकी डिजाइनिंग कैसे की गई है अगर ये जानना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो है आई बटन पर, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने इस गाड़ी को के बारे में बात की है टाटा के डिजाइन स्टूडियो लंदन जाकर, तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकेंगे कैसे उन्होंने इस कार को डिज़ाइन किया है। और बाय द वे एक और इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इस कार के डिजाइनर मार्टिन उन्हें का एक साइन किया हुआ स्केच है, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहता है और बुकिंग कराता है और उसकी स्लिप हमें भेजे अगर उसके नाम से है तो मैं उसे वो स्केच फ्री भेज सकता हूँ। अब आपसे बात कर लूँ इसकी जान के लिए। हाँ, इंजन ही जान होता है हर कार का, अगर उसमें थोड़ी इफ एंड बट हो ना तो गड़बड़ हो जाती है। इंजन गजब के नाम रखती है टाटा मोटर्स, कभी रखती है रेवेट्रॉन, कभी रखती है रेवेटॉक, कभी रखती है हाइपेरियन, हाँ इसका यही नाम रखा है। ऊपर से वेल कवर्ड है अभी भी 1.2 liter और हैवी 3 सिलेंडर, मगर टर्बो चार्ज्ड और नए टेक्नोलॉजी के साथ टाटा ने इसे इनहाउस डेवलप किया है।
नतीजा 125 पीएस की पावर मिलती है और साथ ही आपको मिलता है पीक 225 एनएम का टॉर्क। और कुछ खास कंडीशन में यह 250 एनएम तक पहुंच जाता है, लेकिन केवल 6 सेकंड के लिए, यानी जब आपको ओवरटेक करना हो तो एक्स्ट्रा टॉर्क भी आपको मिल जाता है। यानी हाइब्रिड वाला पंगा इन्होंने अपने आप ही सॉल्व कर लिया। शायद यही रीजन है कि टाटा हाइब्रिड के साथ जाना ही नहीं चाह रहा है, और जब उसका इंजन इतना दमदार हो। चलो ड्राइव में ही बात करते हैं। ये नया GDI इंजन है और 1.2 लीटर है, 3 सिलेंडर इंजन है, और 3 सिलेंडर इंजन की जो कमियां होती हैं अगर आप उनकी बात करें तो ये टर्बोचार्ज्ड है, यानी आप इग्नोर कर दें। टर्बोचार्ज होने का फ़ायदा पावर बहुत है, और नया GDI इंजन इन हाउस डेवलप किया हुआ है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। कंपनी ने एक कोशिश की कि वो इसे वाइड गियर रेशियो में रखे, जैसे कि पहले गियर में यह गाड़ी की टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड गियर में इसकी टॉप स्पीड है 93 किलोमीटर पर आवर, गजब, और थर्ड गियर में इसकी टॉप स्पीड जो मैं देख पाया वो 135 से ऊपर चलाने का मौका ही नहीं मिला। काश ऐसी रोड होती तो मैं वो भी ट्राई करता। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि लगभग ऑटोमेटिक की तरह है, बगैर गियर चेंज करते आप इसे चलाते रहिए, ये बड़ी अच्छी बात है इसकी। यानी वाइड गियर रेशियो होना अच्छी बात है, नतीजा कि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता है, और मैं इसको बहुत पसंद भी करता हूँ। तो इंजन बहुत अच्छा। अब वाइड गियर चेंज होने का मतलब रेशियो होने का फ़ायदा क्या है? गियर बदलना नहीं पड़ता, बदलना नहीं पड़ता है तो प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तो मौजूद है। प्रॉब्लम है इसका क्लच, थोड़ा ध्यान से दबाना पड़ता है, ध्यान से छोड़ना पड़ता है। हालांकि वह ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत लाइट है, लेकिन एक वो क्रिस्प जो पकड़ आनी चाहिए क्लच छोड़ते समय, वो थोड़ी मिसिंग है। यानी जरा सा ध्यान भटका और गाड़ी बंद, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरी कार चलाते रहे हैं जिसमें क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है आपको शुरुआत में इसमें दिक्कत आए, फिर धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे, फिर शायद दिक्कत आपको ना फील हो। अब लाख टके की बात, वो है फ्यूल इफिशियंसी। पहले रंबल स्ट्रिप को आजा ले लें। हाँ, ये ड्राइवर को होश में रखने के काम आती है। कभी बताऊंगा आपको डिटेल में कैसे और कब तैयार हुई रंबल स्ट्रिप्स। अब आपसे बात करूँ फ्यूल इफिशेंसी की। तो देखिए, टाटा की कार चलाने वाले लोग अधिकतर इस बात को पहले से ही मान के रखते हैं कि उन्हें वो वाली फ्यूल इफिशेंसी नहीं मिलेगी जो कुछ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी कंप्लेंट भी नहीं लगी। जैसे ये मुझे मीटर पे जो एवरेज फ्यूल इफिशेंसी दिखा रहा है वह 8 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रहा है, लेकिन चलती गाड़ी में हमने शूट किया है, सब कुछ किया है, तो उसे सच नहीं माना जाना चाहिए। तो फिर सच क्या है? देखिए, सच है इसका ये कि यह 9 से लेकर 12 किलोमीटर पर लीटर की आपको सिटी में फ्यूल इफिशेंसी दे देगी अगर आप इसे लगभग फुल लोड के साथ चलते हैं। यानी 3-4 लोगों के साथ आप चलते हैं तो आपको ये फ्यूल इफिशेंसी आसानी से इसके साथ मिल जाएगी। वही अगर आप इसे हाईवे पर लेकर जाते हैं और 3 और 4 लोगों के साथ और अच्छे बूट स्पेस के साथ, तो 80 की स्पीड पर आप ड्राइव करेंगे तो यह आपको 18 की फ्यूल इफिशेंसी आसानी से प्रोवाइड कर देगी। 18-19 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे 120 पे चलेंगे तो यह घट के रह जाएंगे 15-16 मैक्सिमम। यानी धीमे चलिए और पैसे बचाइए, सही मैसेज है ना, सेफ्टी के लिए भी। और शायद यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि धीमे चलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मिल सके। तो क्या खरीदनी चाहिए? ये बातें करते हैं कंक्लूजन में। टाटा ने रियली गजब का दिमाग लगाया
था तो यह नेक्सॉन का ही फ्रेम, लेकिन चेंज करके इसे नया डिजाइन दिया और नाम रखा उसका एटलस। और नतीजा हमारे सामने एक वेल डायनामिक प्रीपोजिशन वाली बेहतरीन बड़ी साइज की कूपे हाथ लग गई, जो कि अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है। नतीजा क्या हुआ कि आपको एक शानदार चलाने वाली कार मिल गई। कुछ कमियां भी रही, वो नॉर्मली सब पिछली सीट पर ही है, वहां पर थोड़ी और जगह मिल जाती, कूपे को इतना फोकस ना करते, थोड़ी और ऊंची बना देते तो शायद मजा आ जाता। लेकिन फिर इसे कूपे कहने में संकोच भी हो जाता टाटा को, शायद इसीलिए उन्होंने ये कंप्रोमाइज एडजस्ट कर लिया। बाकी कोई बड़ी कमी इसमें नहीं लगी। ड्राइव सेक्शन में आप बाकी चीजें देख ही चुके हैं, एवरेज से भी रिलेटेड। तो फिर खरीदनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से प्राइसिंग अच्छी है इसका, अगर आप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट जो कि वैल्यू फॉर मनी है उसके साथ जाते हैं तो मजा ही मजा है, और नहीं तो फुल फ्लैश ये वाला इंजन उठाइए और अपने घर लेकर आ जाइए। इसमें डीसीए का भी ऑप्शन उपलब्ध है, काश मुझे वह भी चलाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज जरूर है, मगर क्या इंडियंस इस डिजाइन को एक्सेप्ट करेंगे? आप लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चैनल आपका ही तो है, आप ही के सजेशन से चल रहा है और बढ़ भी रहा है। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात करते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।